विक्रम सिंह बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया का प्रेसिडेंट हूं, बल्कि क्रिकेट प्रेमी मुझे विकी के नाम से ज्यादा जानते हैं। बंबई में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जाने वाला यह थर्ड वनडे इंटरनेशनल हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कलकत्ता और दिल्ली में खेले गए पहले दो छगनलाल सोने चांदी और कॉटन पर तो हमेशा खेलते हैं, आज इस होने वाले मैच के किसी घोड़े पे बेट लगाते हैं। अरे भैया, हमारा काम तो जिंदगी में जुआ खेलना होवे, हो जाए। अब क्या, दिल्ली और कलकत्ता में दो वनडे इंटरनेशनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज और गोल्ड कप तो हार ही चुके हैं। इस तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में कारवारेस ने जीतने वाली टीम को एक गोल्ड शील्ड देना घोषित किया है और मैन ऑफ द मैच यानी कि सबसे अच्छे खिलाड़ी को एक नई मर्सिडीज बेंज गाड़ी। मगर माया, मैन ऑफ द मैच पर दांव लग जाए। अरे टीम के घोड़ों का सिलेक्शन तो हो जाने दे। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री कुछ वक्त निकालकर इस मैच को देखने के लिए बीच में कहीं भी दो घंटों के लिए स्टेडियम में पधारेंगे और उसके बाद तुरंत ही अंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद के लिए विदेश रवाना हो जाएगा। अब तो टिकटों की मारामारी होगी। अरे सारी टिकटें तो पहले ही बिक चुकी हैं, आप किस दुनिया में रहते हैं? अरे ब्लैक की दुकान नहीं बंद हो गई। आइए अब हम आपको स्टेडियम में ले चलते हैं जहाँ इस वक्त प्रैक्टिस मैच चल रहा है और जिन खिलाड़ियों के बीच में से हमारे इस मैच की टीम चुनी जाएगी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए सनी। क्या चाहिए? एक और सिक्सर। कम ऑन रोनी, इधर क्या देखता है? उधर देखो, उधर। यस रोनी, सिक्सर। आउट हो गया। जरूर मारता तीसरा छक्का भी अगर तुम्हारी आंखों ने रोनी के छक्के नहीं छुड़ा दिए होते। जानम, अपने चाहने वालों से हमेशा इसी तरह से पेश आते हो। रोनी को देखकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और तुम हो के नैनों से नैना लड़ाई जा रही हो। हाँ, मालूम होता कि चैंपियंस ऐसे होते हैं तो कभी ना आती मैच देखने। आज रात मेरे रुमाल को ही अपने सीने से लगाकर सो जाना, कल सुबह मिलूंगा रात की कहानी पूछने के लिए। राइट, आई एम सॉरी,
मेरे मन में जो क्रिकेट स्टार की तस्वीर थी वो चूर हो गई। सब सितारे एक जैसे नहीं होते। जब मैं स्टार बनूंगा तो आपके ख्याल बदल दूंगा। मेरा नाम सनी है, द ग्रेट सुनील गावस्कर नहीं, वो तारा नहीं चांद है क्रिकेट का, और मैं तो अभी जर्रा भी नहीं। और मैं रानी हूँ, किसी देश की नहीं अपने मन की, आरती रानी। पसंद आए तो सिर्फ आरती भी कह सकते हैं। सी यू। जबरदस्त खिलाड़ी बनेगा ये लड़का सनी, इसको इंडियन टीम में जरूर लेना चाहिए। आपने मजाक में किया या सीरियसली? क्या सीरियसली? आपने तो मुझे बिल्कुल स्टम कर दिया। मेरा भी विकेट टूट चुका है। आज शाम पार्टी में चलेंगे मेरे साथ? मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ। ओह सॉरी। तो और बताइए, क्या क्या करती हैं आप? एकदम एक साथ कैसे? तो फिर कब मिलेंगे? आज रात। लेडीज एंड जेंटलमैन, गारवारेस की तरफ से आज की हसीन शाम क्रिकेट के सितारों के नाम लिख दीजिए, क्योंकि थर्ड वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल के लिए इन्हीं सितारों से चुनकर भारतीय क्रिकेट टीम की माला पिरोई जाएगी। सो गिव देम अ बिग हैंड। हमारी क्रिकेट टीम के सितारों का स्वागत गारवारेस की तरफ से कर रही हैं एक कमसिन, हसीन, नौजवान, चांद का टुकड़ा, आरती।
खुश हुआ दिल मेरा झिलमिला झिलमिला आंखों में कोई बस गया चाहों में निगाहों में कोई फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया प्रोफेशनल सिंगर है। सिंगर यस लेकिन प्रोफेशनल नहीं ऑटोग्राफ प्लीज ऑटोग्राफ शोकिया गाती और लोग शोक से इनविटेशन भेज देते हैं मुझे भी खासकर जब हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा हो और ऐसी जगह जहाँ मैं काम भी करती हूँ आप इसी होटल में काम करती हैं हाँ इसी होटल में वो सामने वाले ड्रेस डिपार्टमेंट में आज के मैच में सनी की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहेंगे आप लड़का अच्छा है कुछ शॉट्स वेरी गुड थे फिर भी टेक्स्ट बुक शॉट्स नहीं थे और जाने दीजिए मैंने कहिए प्लीज कहिए बॉलिंग इतनी फॉल्टी थी कि सनी की जगह कोई भी सिक्सर पे सिक्सर ही मारता ऑटोग्राफ प्लीज इतनी सुंदर गोरी हथेली पर ये क्या कार्टून है सनी का ऑटोग्राफ जानिए हम हथेलियों पर ऑटोग्राफ नहीं देते कोई रेशमी रुमाल या खुशबूदार ऑटोग्राफ बुक ले आओ पांच साल पहले जब आपने अपने पहले टेस्ट में ही अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी तभी से तमन्ना है आपके ऑटोग्राफ की आज आप इसे पूरी कर दीजिए क्यों नहीं आज अच्छा खेले तुम हाँ आप ही के स्टाइल से इंस्पिरेशन लिए रोनी साहब गुड शायद इसीलिए सेंचुरी बना पाए कीप इट अप थैंक यू सर हालांकि बहुत मुश्किल है टॉप पर पहुंचना पांच साल लगे मुझे अव्वल नंबर तक पहुंचते कोई और होता तो शायद 10 साल लगाता एक्सक्यूज मी रोनी क्या आप मेरे साथ इस तरह फोटो खिंचवा सकते हैं प्लीज मैडम लेकिन मैं आपके साथ बाद में अभी नहीं बाद में किसी की मत भरी आके हमें डांस फ्लोर पर आने का इशारा दे रही है मैं आए क्यों दिल दुखाया बेचारी का आखिर फैन थी आपकी कोई भिखारन नहीं ओ कम ऑन सब रोनी की आदतों से वाकिफ है लेकिन मेरे दिल में रोनी की कोई और ही तस्वीर थी यू आर रूड 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 चैंपियंस ऐसे ही होते हैं जानी तुम चैंपियन थे अब नहीं पिछले दिनों तुम्हारा वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल में स्कोर क्या रहा 0 तो क्या हुआ इट्स अ गेम ऑफ चांस दोनों मैचों में अ बिग 0 अब इस तीसरे मैच में देखना अगर तुम्हें फील्ड में उस नई इंपोर्टेड गाड़ी में अपने बगल में बिठाकर नहीं घुमाया जो मैन ऑफ द मैच को मिलने वाली है तो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दूंगा ये चैलेंज है हाँ अगर एक्सेप्ट करने की हिम्मत हो तो ठीक है चैलेंज एक्सेप्टेड
एक्सेप्टेड कम लेकिन मैं तुम्हारे साथ डांस भी तब करूंगी जब तुम वो गाड़ी जीत कर ले आओगे आज इस सिलेक्शन कमिटी की अर्जेंट मीटिंग इसलिए रखवाई गई है कि इस तीसरे वन डे इंटरनेशनल के लिए हमें अपनी टीम में सनी और रॉनी में से एक को चुनना है पहले दो मैच हार कर हम ये सीरीज तो हार ही चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साथ ही गोल्ड कप भी लेकिन इस मैच में गारवारे शील्ड जीत कर हम अपनी खोई हुई शान कुछ हद तक शायद वापस ला सकते हैं लाजमी है कि उस शेखी भगारने वाले रोनी को कीजिए आउट चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो सुनील गावस्कर और डॉन ब्रैडमैन से भी बड़ा समझने लगा अपने आप को उसे सिखाओ लेसन उसे करो आउट और उस नए लड़के सनी को टीम में लीजिए क्यों रोनी को जाना ही चाहिए बाहर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है हाँ, पहले वनडे इंटरनेशनल में पहली बॉल पे आउट और दूसरे में भी रॉन्ग बॉल पर सिक्सर ठोका और बाउंड्री लाइन पर बॉल सीधे फील्डर के हाथ में और सिक्सर भी इसलिए ठोका कि क्राउड में से लड़की चिल्ला रही थी रोनी डार्लिंग सिक्सर रोनी डार्लिंग सिक्सर घूम गया बल्ला ये ठीक है कि पिछले दो मैचेस में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा लेकिन देखने वाले उसे पसंद करते हैं एक क्रेज है उसका हाँ उसके पास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कितनी सेंचुरीज मारी है उसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं हो सकता है इस बार फिर सेंचुरी मार दे सेंचुरी वेंचुरी छोड़ो जी बहुत बदतमीज हो गया है लड़का अंपायर के साथ उलझना तो उसके लिए हमेशा की बात हो गई है अब थोड़ा बहुत ईगो तो हर कामयाब आदमी को हो ही जाता है फील्ड में गालियां देता है गालियां मोटी मोटी गंदी गंदी हो गया ना एक दो बार कलकत्ते के मैच में नाक के सामने थूक दिया था अंपायर के क्योंकि उसने LBW दे दिया था और आउट होकर जाते जाते मुड़कर बोल गया कि तुझे तो मैं स्टेडियम के बाहर समझूंगा जोकर जोकर गंदा करने लगा खेल का एटमॉस्फेयर रॉनी Most unsportsmanlike. देखिए आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं रॉनी इज रॉनी उसकी जगह को दूसरा नहीं ले सकता उसका मैच में होना बहुत जरूरी है ही इज इंडिस्पेंसिबल हाँ कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता हर काबिल आदमी के पीछे 10 काबिल आदमी लाइन से खड़े रहते हैं उसकी जगह लेने के लिए जैसे अभी रॉनी के पीछे सनी सनी को लीजिए रॉनी में दम है एक मौका और दीजिए उसे आप क्या कहते हैं कैप्टन साहब मैं न्यूट्रल हूँ मेरे लिए हर अच्छा खिलाड़ी एक बराबर है वेल 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 हम कहां पहुंचे रॉनी की तरफ या सनी की तरफ सनी दो वोट रॉनी की तरफ और दो वोट सनी की तरफ और आपकी वोट तो गिनी नहीं जा सकती कैप्टन साहब इस इलेक्शन कमेटी के पांचवें मेंबर यहां मौजूद होते तो ये फैसला हो गया होता लेकिन उनकी चिट्ठी मौजूद है जिसमें लिखा है कि मेरी वोट मेजॉरिटी वोट के साथ गिनी जाए कास्टिंग वोट आपका है और इस थर्ड वनडे इंटरनेशनल की किस्मत का सितारा अब आपके हाथ में है प्रेसिडेंट साहब अब आप ही फैसला कीजिए रोनी विकी भैया जल्दी तुम्हारी प्रैक्टिस का वक्त हो गया है रोनी पहले मम्मी को किस करके जाओ Shabash, very good. Above drive. Above drive. Hook. Cover drive. Straight drive. Sweep. And up. Well played. Gentlemen, मैं हमेशा change में विश्वास करता हूँ. Change. फॉर द बेटर यानी कि मुझे हमेशा नए उभरते खून पर भरोसा रहा है क्योंकि अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो हमें आने वाले कल के लीडर्स हीरोज स्टार्स विजेता कहां से मिलेंगे टॉनी मेरा छोटा लाडला भाई है क्रिकेट का सुपरस्टार है लेकिन आप सबकी आर्गुमेंट सुनने के बाद मैं अपना वोट उस नए प्लेयर सनी को देता हूं उस लड़के को अपने करियर का सबसे पहला ब्रेक मिलना ही चाहिए बाबा बाबा अभी अभी उड़ती हुई खबर सुनी है कि मुझे इंडियन टीम में चुन लिया गया है अरे तो फिर खबर को पकड़ के रख और सिर झुका भगवान के सामने जा जा
वेट फॉर मी ऑटोग्राफ चाहिए तो वेट करो। हाय हाय। रोनी को पता चल गया होगा। कोई नई बात? तुम बोलो, अगले हफ्ते तीसरा वन डे इंटरनेशनल है, शायद टीम कल अनाउंस होगी। बल्लेबाजों की जगह गुल्ली डंडा खेलने वाले भी भर्ती कर ले अपनी टीम में तो भी फर्क नहीं पड़ेगा जानी। अब की बार सामने वाले खिलाड़ियों के कूले नहीं मटका दिए तो नाम रोनी नहीं रोनी। एरोगेंट, मगरूर, अकड़खू, इसीलिए सुपरस्टार हूं जानी। अहंकार ओवर कॉन्फिडेंस, फूला हुआ बलून। अभी देखा कैसे शायद की भिन बिनाती मक्खियों की तरह चिपक रहे थे सब छोकरा छोकरी, इसलिए कि मैं रोनी हूं। नंबर वन, नंबर वन। रोनी से क्रिकेट है, और क्रिकेट इसलिए क्योंकि रोनी हिट करता है जिसका मजा दुनिया लेती है। हटा दिए गए हो रोनी, यू आर आउट ऑफ द थर्ड वन डे इंटरनेशनल। व्हाट? ये क्या मजाक कर रहे हो? अभी जान लो तो अच्छा है, कल अखबार में पढ़ोगे तो कम दुख होगा और कम शौक लगेगा जब अपने भाई साहब से पता चलेगा आज रात को। आपने मुझे टीम से बाहर कर दिया सिलेक्शन कमेटी ने, मगर कास्टिंग वोट तो आप ही की थी। वही तो कह रहा हूं, मैं सिलेक्शन कमेटी से बाहर नहीं हूं। मेरा बड़ा भाई होकर आपने ऐसा किया? मैं सिलेक्शन बोर्ड का प्रेसिडेंट भी हूं, और उस नए नौजवान सैनिक को अपने भाई की जगह देना उस वक्त मेरा फर्ज बनता था। उस अनाड़ी सड़क छाप को आपने रोनी जैसे ग्रेट प्लेयर की जगह कैसे दे दी? हर ग्रेट प्लेयर के पीछे एक ग्रेटर प्लेयर होता है रोनी। मगर रोनी के टक्कर का ना कोई आया है और ना ही आएगा। हर बड़ा खिलाड़ी अपने वक्त की मिसाल रहा है। जहां जाता हूं लोग मुझे कंधों पर उठा लेते हैं, फूल बरसाते मेरे रास्तों पे, चाहे वो यहां हो अपना देश, या फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, या फिर कहीं भी। हमारे जमाने में हमारे साथ भी यही हुआ, चाहे वो यहां था या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या कहीं भी। लेकिन मैंने अपने 5 साल के टेस्ट क्रिकेट में इतने रन बनाए हैं जो कोई दूसरा खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं बना पाया। और छठे साल ये होने लगा कि क्रीज पर बैट रखते ही पहले बॉल में मिडिल विकेट टूटने लगा। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होने लगा है कि तुम्हारा सर फिर गया है रोनी। शोहरत से फूल कर तुम इतने कुप्पा बन गए हो कि तुम मुड़कर नहीं देख सकते कि तुमसे अच्छा खेलने वाला को दूसरा भी हो सकता है। अपने चाहने वालों के नशे में तुम इतने बदहवास हो चुके हो कि तुम समझने लगे हो कि तुम उनके सामने कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और वो हमेशा वाह वाह ही करते रहेंगे। देख लीजिएगा, कल जब दुनिया ये खबर सुनेगी कि रोनी जैसे ग्रेट प्लेयर की जगह इस मैच में से छीन ली गई है, तो वो आप पर और आपके सिलेक्शन कमेटी पर थू थू करेगी। दुनिया ग्रेट प्लेयर उसे कहती है जो खेल में माहिर होने के साथ साथ एक ऐसी खूबी या क्वालिटी का प्रदर्शन करे जिसे वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम से जानती और मानती है। दुनिया आपको रोनी को वापस लाने पे मजबूर कर देगी। आपको अपना फैसला पलटना होगा और उस दूध पीते बच्चे सनी को अपनी मां की गोद में वापस जाना पड़ेगा। तमीज के साथ साथ जबान भी खो बैठे हो रोनी। हम सब दोस्त तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया सनी। ये इसका कैप, दुनिया के ग्रेट क्रिकेटर उस पर छपी ये किताब। वाओ, ये बॉल जिस पर तुम्हारे ऑटोग्राफ लेके मैं वापस ले जाऊंगी। ये शैंपियन की बोतल इस बारमैन की तरफ से, और ये मेरी तरफ से। खोल के तो देखो। हाँ हाँ, अपने हाथों से बनाया है और अपने हाथों से पहनाना होगा। में दिल गा रहा है।
किस्मत अपनी, देखा तो हिम्मत अपनी, मस्ती में दिल गा जो इसकी भेज देना। अरे रोनी, रोनी, जरा हमसे ही मिलाओ ना। रोनी को बुलाओ ना यार। ओके ओके। ए वेटर, एक पेंसिल और कागज लाना प्लीज। कह दो कि नोट फाड़ कर फेंक दिया रोनी साहब ने। आपको शायद बुरा लगा कि मैंने नोट भेजा, मुझे खुद आके इनवाइट करना चाहिए था। चलिए ऊपर हमारे साथ बैठिए, मेरे सारे दोस्त आपके जबरदस्त फैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनको चलकर यहां आना चाहिए था हमसे मिलने के लिए। बरखुरदार, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। आई एम सॉरी, आपने इंसल्टेड फील किया, मैं उन्हें यहां ले आता हूं। नो, तुमने समझ कैसे लिया कि मैं उनसे मिलने के मूड में हूं? क्रिकेट 11 में तो घुसा हो, अब कुछ मैनर्स भी सीख लो। वापस ऊपर आ जाओ सनी। अभी नए नए शौकीन बने हो लड़कियों के, ये शो ऑफ मेरे सामने मत करना। क्या मैं आपसे कहूँ कि आपको मैनर्स सीखने चाहिए? रॉनी साहब, आप में बिल्कुल स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है, आप एक बहुत घटिया और गिरे हुए इंसान है। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सस्ती बाजारू लड़की, हाउ डेयर यू कॉल अ सस्ती बाजारी। नेचुरली तुम जैसे के साथ घूमेगी तो और क्या कहलाएगी? अगर तुम रॉनी नहीं होते तो मेरा हाथ उठ गया होता। टेस्ट टीम में कदम क्या रखे, अभी से अपने आप को टॉप समझने लगे बेटा। हाँ ये टॉप है, टॉप टॉप टॉप, और ये मेरा चैलेंज है कि इस मैच के बाद सनी ही अव्वल नंबर होगा। जा तू भी मुंह धो के आ। तुम मेरा भी चैलेंज सुन लो, आरती के दिए हुए चैलेंज का एक एक लफ्ज सही साबित न कर दिखाया तो मेरा नाम सनी नहीं। ठहरो, क्रिकेट में अव्वल नंबर पर आने के लिए बॉक्सिंग की नहीं हिटिंग की जरूरत होती है। जाने
दीजिए रोनी साहब, प्लीज प्लीज छोड़िए इनको। आज सही तौर पे मालूम हुआ है क्या पावर है रोनी के लगाए हुए सिक्सर में। बस नहीं, एक ही सिक्सर से सेंचुरी नहीं बनती है बेटा, बार बार लगाने पड़ते हैं। रानी साहब, आई एम वेरी सॉरी, ये सब मेरे होटल में हुआ। ठीक से देखा करो किसको होटल में आने देना चाहिए और किसको नहीं, पूरी जिंदगी क्रिकेट की पिच पे गुजार देगा तभी रोनी जैसा बनना तो दूर, रोनी का नाम तक ठीक से स्पेल नहीं कर पाएगा। रोनी ड्रिंक। हाय, अपने होंठों से पहुंच दूं चोटों से निकले खून को। कौन हो तुम? मरिया, दिन में क्रिकेट देखती हूँ और रात को यहाँ डांस करती हूँ। बैठने के लिए नहीं कहोगे, फैन हूँ तुम्हारी। थैंक यू, तुम्हारे स्ट्रोक्स और स्टाइल पर मरती हूँ रानी। तुमने जब भी जोरदार बाउंड्री मारी है मैंने उससे भी जोरदार ताली पीटी है। देख रही थी उस कल के लौंडे को तुम्हारे साथ जैसे एक छोटी सी चिड़िया फुर्र करके आती है और फुर्र करके चली जाती है लेकिन रॉनी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कब से क्रेज थी तुमसे मिलने की, पूरी दुनिया रॉनी से मिलना चाहती है। नाच रही हो आज रात? छुट्टी है, ऑफ ड्यूटी, लेकिन दिल नाच रहा है कि मैं अपने फेवरेट स्टार से मिल रही हूँ और आज रात मैं उसी के लिए ही नाचूंगी। लो। थैंक यू। पास 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 पास, बात हो गई। अब ये बताओ मुझे घर कौन छोड़ेगा? मैं। कोई जगह है जिसकी कदर करती हूँ उसके लिए खास? अब ज्यादा अच्छी लगने लगी हो दुनिया के लिए मरिया का पता दूसरा है, मैं यहाँ तभी आती हूँ जब उसकी आंखों से ओझल हो जाना चाहती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। सीमा पार के आज उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र में भारतीय शांति सेना और मिलिटेंट गुरिल्ला के बीच हुई मुठभेड़ में 100 से अधिक मिलिटेंट गुरिल्ला मारे गए, जिनमें उनकी दो प्रमुख नेता भी शामिल हैं। तनाव में अभी तक कोई कमी नहीं हुई और सरकारी सूत्रों के अनुसार भारतीय शांति सेना का मिलिटेंट्स पर दबाव जारी है। यू आर रेडी? वार्निंग, अगर सीमा पार हमारे गोरिल्ला सिपाहियों पर हिंदुस्तानी फौज की बंदूकें चलनी फौरन बंद नहीं हुई तो सबसे पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रोज पूरा स्टेडियम उड़ाकर रख दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों की टीमों को भून दिया जाएगा और देखने वाले सारे राख हो जाएंगे।
ये कौन लोग शरारत पर तुले हैं? सर, हर रोज शहर में नई नई जगह ये पोस्टर्स लगने शुरू हो गए। रोज सुबह हमारे आदमी इन्हें साफ कर देते हैं सर, और रात को फिर नए लग जाते हैं। ये अजीब मजाक है। इसे मजाक मत समझिए। हर खतरा मजाक से शुरू होता है। पता लगाइए ये कौन बदमाश लोग हैं। टेम्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं अपने आप को गुरिल्ला मिलिटेंट। जिस वक्त मैं बॉर्डर्स पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, मैं खुद विकी बोल रहा हूँ। शहर से 15 मील की दूरी से नारायणपुर के एक डाक बंगले से बॉर्डर पर बदमाशों ने घेर लिया और मेरी बीवी और ड्राइवर की लाश बाहर गाड़ी में है और मेरे पेट में भी गोली है। बस एक 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 सर्जन की जरूरत है और मेरे बच्चों को बोर्डिंग हाउस में इन्फॉर्म कर दीजिए। इन आतंकवादियों से कब छुटकारा होगा इस देश का? सर, सामने जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी बुझी हुई आग की राख में से ये टीन की प्लेट मिली है और उस पर वही लिखा हुआ है जो इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है। अभी और दो एक्सप्लोजन हुए सर, दो और जगह, और उनमें से भी इसी टाइप की प्लेट्स मिली है। और आप इसे मजाक समझ रहे हैं? अभी शहर में शांति फैल जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। पैनिक फैलना शुरू हो गया है सर। लोग डर रहे हैं कि वनडे इंटरनेशनल मैच होगा भी कि नहीं। सारा बंबई शहर दहशत में है कि आतंकवादी वहां वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं होने देंगे। हमें वहां की जनता और उस मैच में हिस्सा लेने वालों की सिर्फ रक्षा ही नहीं करनी है, बल्कि हमें उन्हें विश्वास दिलाना है कि हम किसी भी प्रकार का आतंक, दहशत या शैतानी स्टेडियम के आसपास नहीं फटकने देंगे। एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर विक्रम सिंह को फौरन इत्तला कीजिए कि दिल्ली से होम मिनिस्टर साहब की यह खास ऑर्डर्स है कि वो फौरन बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करें। पेट में गोली लगने की वजह से वो रिजाइन करके चले गए थे। इट्स रियली फनी। किसी भी मेहमान का ग्लास खाली नहीं रहना चाहिए के। डोंट वरी सर, सब मजे में है। आई विल लुक आफ्टर देम सर। To your health, Mr. Peter Smith. To your health, Mr. Sundram. कैसे हो डिसिल्वा? Good evening, Vicky साहब. कैसे सर? Welcome. क्या लेंगे सर? तुम तो जानते हो डिसिल्वा, हमारी आदत डिनर से पहले एक स्कॉच एंड सोडा और डिनर के बाद एक सिगरेट। बहुत रौनक है आज यहाँ। बॉम्बे में कितने नए डिप्लोमेट्स आए हैं सर? अगर पता करना हो तो सुंदरम साहब के संडे नाइट पार्टी में आ जाइए। एक तो सबसे बढ़िया शराब, सबसे बढ़िया खाना और फिर मारिया का सबसे बढ़िया नाच। विक्की साहब, कैसे हो कोंडी मणि? सर, आपको दूर से देखकर पार्टी में इनवाइट करने को आए हैं मिस्टर सुंदरम की तरफ से। नो थैंक यू कोंडी, आज मैं अकेला बैठना चाहूंगा, मेरा टेबल रिजर्व्ड है। सुंदरम साहब को मेरे रिगार्ड्स देना, क्या ना कोई और मौका आएगा तो जरूर मिलूंगा उनसे। ऑल राइट सर। और सुनो, वो सब तैयारियां हैं वनडे इंटरनेशनल के लिए। सर, इस टाइम में ऐसा फास्ट पिच तैयार कर रहा हूं कि ऐसा मैच ना हुआ हो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ सर। थैंक यू। मारिया के जबरदस्त आशिकों में से हैं सर, हमेशा उसी के साथ आते हैं और उसी के साथ चले जाते। कौन मारिया? अभी देखिएगा सर। Thank you.
मेरा कोटा पूरा हो गया। डिनर? जब भी आप तैयार हो। खाना बेहतरीन था। विदेश यात्रा कैसी रही? एक्सेलेंट। पर्सनल ट्रिप था या सरकारी? दोनों। ब्रांडी डिनर के बाद? नो थैंक यू, लेकिन एक सिगरेट जरूर चलेगा। डिनर के बाद एक पीता हूं। हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं सर। क्यों? बहुत शानदार लगते हैं इसमें। जब किसी पर रोब झाड़ना होता है तो पहन लेता हूँ ये यूनिफॉर्म। आप जैसे रुबीले ऑफिसर से तो पूरी पुलिस फोर्स कांपती होगी। क्यों? हर पुलिस वाला वर्दी में रुबीला होता है। कॉकटेल सिगरेट्स विद आवर कॉम्प्लीमेंट्स। शायद डिनर के बाद कभी कभी आपको याद आ जाया करो। यू आर अ चार्मिंग होस्टेस, किसी को भी हमेशा याद रहोगी। थैंक यू। मेरा नाम मुरविया है सर। ये सोने के बिस्किट मिले हैं, कमर के गिर्द, साड़ी के फोल्ड में, कुछ ब्लाउज में, कुछ इसके अंदर और कुछ स्ट्रैप में बंधे हुए। मैं अपना जुर्म मानती हूँ, मैं ये सोना इस देश में ला रही थी। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू मारिया। इसका फैसला अब अदालत करेगी। और उसके बाद क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया गया मुझे, मुकदमा चला, 6 महीने जेल में। आपको नहीं पता? जरूर पता होता अगर पुलिस डिपार्टमेंट में रहता। तो क्या आपने रिजाइन कर दिया सर? हालात ने वहां से उठाकर किसी और काम में लगा दिया। तो
पूछ सकती हूँ कहाँ हैं आजकल? मुझे अभी तक याद है कि आप डिनर के बाद एक सिगरेट पीते हैं। और मैं भी आपके साथ उस मीटिंग का बहुत कुछ भूला नहीं हूँ। कभी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल से कोई वास्ता आन पड़े तो उसके मौजूदा प्रेसिडेंट विकी को याद करना। छोटे साहब आ गए? बहुत लेट आते हैं इन दिनों साहब, और हमेशा शराब के नशे में होते हैं। आपके लिए बहुत फोन कॉल आया साहब, दो तीन बार तो पुलिस हेडक्वार्टर से और दो बार दिल्ली की होम मिनिस्ट्री से। हाँ? और एक तार भी आया है साहब। बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर से फौरन रिपोर्ट करो होम मिनिस्ट्री। सॉरी लेट हो गई, लेकिन वो पीटर स्मिथ डार्लिंग आदमी निकला, आने ही नहीं दे रहा था। उसने हमारे मुल्क के आतंकवादियों को अपनी कंट्री से बारूद बंदूकें देने का वादा किया है। ये अच्छा किया। आज इस बंबई सिटी में अपने गुरिल्ला भाइयों के कॉज के लिए लड़ने वाले सिर्फ हम सात क्रांतिकारी हैं। लेकिन हर क्रांति, हर इनकलाब मुट्ठी भर लोगों से शुरू होता है और देखते देखते हजारों लाखों में आसमान की ऊंचाई तक फैल जाता है। और मैंने इस शहर में बेकार फिरते, रोड पे घूमते हुए अपने पुराने आर्मी डेजर्टर्स को इकट्ठा करके तैयार कर लिया। तुम सहता पीना बंद करो राव, कभी पीकर बहक जाओगे। पीकर के ही राव को जोश आता है। राव अगर नहीं पिएगा तो सुस्ती आ जाएगा। राव कभी अपने टेंपल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन को कभी नीचे नहीं गिरने देगा। अपने लीडर से मेरा कांटेक्ट जारी है और सुंदरम साहब का प्रॉमिस है कि हम जब तक सब कामयाब नहीं हो जाता तब तक वो हम लोगों पे पैसा बहाता रहेगा, बहाता रहेगा। लेकिन सुंदरम साहब का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। स्टेडियम के अंदर का प्लान हम दोनों के हैंड में है, वैसा ही होगा जो लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ था। आखिर में ये साइनाइड की गोलियां अपने गले में बांध के रखिए। अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो इस संस्था के बारे में कुछ भी बताने से पहले इस शहर को खाकर शहीद हो जाएगा। ठहरो, मैं इस ग्रेट मोमेंट की एक फोटो लेना चाहता हूँ, जबकि हम सब अपने अपने कॉज के लिए शहीद होने जा रहे हैं। मिस्टर पाटिल आइए। विकी साहब, आप ही का इंतजार था। डिपार्टमेंट ने मुझे फिर से याद किया, उसकी वजह शहर में जगह जगह लगाए गए पोस्टर तो नहीं? आपने ठीक सोचा भाई, जहां जहां आतंकवाद का डर होगा वहां विकी साहब तो होंगे ही। होम मिनिस्ट्री मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देगी। यू आर राइट, अब भी होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करने के लिए बेचैन है। मिला दीजिए। फुटबॉल स्टेडियम के अलावा जगह जगह आतंक फैलाने की धमकी है इस पोस्टर में। होम मिनिस्टर ऑनलाइन सर। विकी हियर सर। विकी साहब, बॉर्डर पे आतंकवादियों और उनकी धमकियों के खिलाफ आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा बढ़िया रही थी और इसीलिए हम बंबई क्रिकेट मैच की जिम्मेदारी भी आप ही पे सौंपना चाहते हैं। राइट सर, लेकिन इसी वक्त चार्ज लेना होगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से। विकी का दूसरा नाम ही ड्यूटी है, पूरी कोशिश करूंगा सर। आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूं पाटिल साहब, आपके साथ मिलकर काम करूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स के अलावा बहुत सा काम अपने घर से करूंगा। ये वन डे इंटरनेशनल होकर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेडियम में बैठकर जनता के साथ इसे देखेंगे ही नहीं बल्कि इसका मजा भी लेंगे। कोई चीज एक बार देख लेता है विकी तो उसकी मोहर छप जाती है दिमाग में। मरिया नाम के एक डांसर कैबरे करती है स्टार होटल में। सर उसे लाइए मेरे सामने। सर, और कुंडी और मनी दो आदमी स्टेडियम में बरसों से काम कर रहे हैं, क्रिकेट पिच को संभालते हैं, उन्हें भी लाइए मेरे सामने। बरसों से क्रिकेट फील्ड में काम करने वाले उसी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दे, ऐसा लगता तो नहीं है सर? पुलिसमैन की वर्दी में पुलिसमैन का दिमाग रखो ऑफिसर, कोई भी इंसान किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। लाओ उन दोनों को मेरे सामने। सर नॉट येट। एक सुंदरम साहब हैं बंबई के मशहूर करोड़पति, मल्टी 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 मिलियनेयर। सुना है इतना पैसा है उनके पास कि हर अच्छा बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें भी लाइए मेरे सामने।
सर इतनी बड़ी हस्ती को पुलिस स्टेशन बुलवाना? वो बड़ी हस्ती है तो जो खतरा हमारे सर पे मंडराने लगा है वो भी कुछ कम नहीं है। फोन करो उन्हें, मैं बात करता हूँ। मिस्टर सुंदरम, मेरा नाम विकी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कुर्सी से बोल रहा हूँ। आइए चाय पीजिए मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स में। आपके पुलिस में मेरा रिकॉर्ड है कि आपके सारे चीफ मेरे यहाँ आए हैं चाय पीने। ये बात है तो मुझे भी इनवाइट कीजिए अपने घर पे, कुछ दोस्ती की बातें करनी। खुशी से, कब आना चाहेंगे? आज ही फुर्सत निकालिए तो आभारी होऊंगा। आ जाइए हमारे आउट हाउस में। यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज से कहो कि मेरे ऑर्डर्स हैं कि विदेश से आने वाली और यहाँ से वहां जाने वाली सारी कॉल्स मेरी तरफ डाइवर्ट की जाए। क्रिकेट में ऐसा नाम रोशन करो कि सनी ग्रास का भी तुमसे हाथ मिलाना चाहे। क्यों नहीं आरती? कब से यहाँ बैठी हूँ और जनाब है कि दौड़ पे दौड़ लगाए जा रहे हैं। देखो दो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाया हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए। पहनो इसे और चलो समुंदर में। बेशरम। क्यों? शर्म नहीं आएगी? लोग देखेंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हुए। लोग? कौन लोग? इस वक्त तो कोई नहीं है हमारे सिवाय। तुम्हें शर्म नहीं आएगी तुम्हारे सामने पहनूंगी तो? अच्छा जाओ उस रॉक के पीछे जाके बदल लो, मैं पहरा देता हूँ। जल्दी जाओ वरना कोई आ जाएगा। नमकीन। सुंदरम साहब आपका इंतजार करता इनसाइड, हम उनका पर्सनल सेक्रेटरी स्वामी केके। सर आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं मिस्टर सुंदरम? नहीं नहीं, ये तो आपका अधिकार बनता है। तो सीधा मतलब की बात में आए मिस्टर सुंदरम। हाँ चाय तो आती रहेगी। शहर में कुछ पोस्टर्स लगे हैं। कैसे पोस्टर्स? आपको नहीं मालूम? आप बहुत जाने माने रिस्पेक्टेड नागरिक हैं बंबई शहर में। आप जरा सी उंगली उठा दें उन चंद बदमाशों की ओर जो क्रिकेट स्टेडियम को उड़ा देना चाहते हैं तो वो गुंडागर्दी बंद कर देंगे, और उसके बाद आप खुद उन्हें डांट टपटना चाहेंगे या हम पुलिस वालों के हवाले कर देना पसंद करेंगे, हम आप पे छोड़ देंगे। हम तो अपना बिजनेस में लगा रहता है, लोगों की सेवा। हम कुछ नहीं जानता है ये पोस्टर्स के बारे में, पोस्टर्स लगाने वालों के बारे में। वो बदमाश लोग आपके देश वाले हैं, आपका दबदबा है उन पर। मिस्टर विकी, आपका मतलब हमारा वास्ता उन बदमाशों से? जरूर मिस्टर सुंदरम, जिन बदमाशों के ये काम है उनके किसी एक लीडर के लिए आपने खास नई दिल्ली में पार्टी रखी थी जिसे देश भर के अखबारों ने छापा। ये पिछले साल की बात है, उस वक्त वहां पर इस तरह का ऊधम शुरू नहीं हुआ था। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप कुछ कीजिए इसके बारे में, वरना मुझे दुख होता है कहते हुए कि हमें आप पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। मैं आपको डिपार्टमेंट से निकलवा सकता है मिस्टर विकी। डिपार्टमेंट ने मुझे आज ही खास इसी काम के लिए दोबारा बुलाया है। हम प्राइम मिनिस्टर को फोन करेगा। आप इस बंगले से कहां फोन करेंगी और क्यों, उसका फैसला अब मेरे हाथ में है मिस्टर सुंदरम। लेकिन लेकिन आप ये सब कैसे कर सकता है जी? अभी अपने बॉस को बोलने दीजिए, आप बोलेंगे जब हम कहेंगे। अपने घर में आप जो चाहें करें, लेकिन आपको बाहर की कॉल्स ना आने देंगे और ना ही यहां से करने देंगे। आप बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के ये नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट का वारंट भी है मेरी जेब में। मैं अब भी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को फोन करना चाहूंगा। मैं मेरी होम मिनिस्टर के साथ हॉटलाइन है। मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। कौन?
मिस्टर सुंदरम। यस मिस्टर सुंदरम। आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकी मेरा घेराव कर रहे हैं। मिस्टर सुंदरम, मुझे डिपार्टमेंट से सारी बातें समझने दीजिए, मैं आपको फिर से फोन करवाता हूं। अब देखता है हम रहता है हाउस अरेस्ट या तुम पुलिस डिपार्टमेंट में। उस वक्त तक मेरे ऑफिसर्स आपके घर में मेहमान रहेंगे और चाय भी आपके साथ किसी और दिन पी जाएगी। गर्मा गर्म भजिया, हाय गर्मा गर्म। इतनी चटाकेदार भजिया पहले तो कभी नहीं खाई भाई। अरे भैया, ये होली के त्योहार की भजिया है, खाओगे तो साल भर हंसते रहोगे। अरे भैया, भांग वाला चाहिए कि सादा? भांग वाला। भांग वाला तो ई ससुरे यहाँ का कर रही है, आज तो इसी का डिमांड है। पैसा ला, पैसा। गर्मा गर्म भजिया है, गर्मा गर्म भजिया है। चलो ना, हम भी खाते हैं गर्म गर्म भजिया। ताजे हो तो लाना साहब। गर्मा गर्म ताजा है साहब, बासी वाला नीचे फेंक दिया। दो गर्मा गर्म भजिया देना। हाँ मेम साहब, गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म। खेल शुरू होगा पौने ग्यारह। लवली, मजा आ रहा है। डिलीशियस। एक और लाती हूँ। बेशक, दो प्लेट लाना। मारिया का पता पूछना है। होटल के मैनेजमेंट को पता होगा सर। उनके बताए हुए पते से वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। यही डांस करती है ना? जी हाँ, मैं फोन करके बैंड वालों से पता करता हूँ, उनमें से शायद किसी को जरूर पता होगा आजकल वो कहां रहती है। प्लीज। अरे अरे, बस भी करो ना। पहले चुप तो बंद करो। कुछ भी कहो, मजा आ गया। भजिया नहीं, लोटपोट नाम रखना चाहिए था इसका। पूछो ना कैसा मजा आ रहा है, पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। तुम्हारे साथ डांस भी तब करूंगी जब तुम वो गाड़ी जीत कर ले आओगे। हाँ? अरे भैया, ये रोनी क्रिकेटर तो नहीं है? अरे हाँ वही है, लेकिन इस बार इसे मैच में नहीं खिला रहे हैं। अरे मैच होएगा तब ना, यहाँ तो सारा स्टेडियम आतंकवादियों के पोस्टरों से भरा पड़ा है कि मैच नहीं होने देंगे। एक ही धमाके से इधर खेलने वाले और चारों तरफ बैठे लोगों को डर पहुंचा देंगे हम। जाकर मारिया को फोन कर दो उसकी खुफिया जगह पर कि हमने अपना ड्यूटी पूरा कर दिया स्टेडियम में। रोनी हमारा हीरो है। कोई हुआ है कभी ऐसा खिलाड़ी जिसने इतने झंडाटेदार ऊंचा और जानदार चक्का मारा हो? कोई नहीं। कुंडी। अरे रोनी साहब, तुम क्या हो रहा है? कुंडी पिच पर नजर रख रहा था आने वाले गेम के लिए, पर क्या फायदा,
पहले जैसा गेम किधर? क्या मालूम गेम होगा कि भी नहीं होगा, सारा बॉम्बे सिटी पर डर फैला हुआ है। मुझे क्या लेना देना, मैं तो इस गेम में हुई नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ, इतना बड़ा मैच रूनी जैसा स्टार के बिना कैसे हो सकता। 5-6 बरस से ये मेरा होम ग्राउंड रहा है, मैं यहां खेला हूं कुंडी। आज मेरा दिल सख्त भी है, जैसे किसी ने चुरा भोग दिया हो या। इसके लिए उनको सबक सिखाने को मांगता। कौन सिखाएगा उन्हें सबक? ये आतंकवादी टेररिस्ट, कौन बोल सकता है ये पोस्टर खाली धमकी ना हो, सच्चाई हो। खत्म हो जाने दो उन सबको, मुझे किसी से क्या। हम तुम्हारा फैन है रोनी साहब, और जिस पिच पे रोनी साहब का कमाल नहीं होगा उस पिच को बनाने में कुंडी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। और उस फटीचर प्लेयर का गेम देखने को कौन मांगता है साला, जो रोनी साहब की आधी औकात कभी नहीं। हम सच बोलता है, हम भी उस पब्लिक में से है जो सिर्फ रोनी के लिए मैच देखने को आता है। और कौन उठपटांग खेलेगा तुम्हारी बदली, हम तो नहीं देखेगा वो मैच। हम गरीब आदमी रोनी साहब, लेकिन फिर भी तुम्हारे वास्ते कुछ कर सके तो हमको बहुत खुशी होगी। मैं नहीं चाहता उस लड़के का खेल मेरी हंसी उड़ाए। हम तुम्हारा हमदम साथी रहा हूं रोनी साहब, हम तुम्हारा झंडा ऊंचा रखने के वास्ते ये साला नया पोटा तो क्या पूरा स्टेडियम को उड़ा देगा। ये स्टेडियम मेरी जान है, इसी जगह लाखों फैंस ने आकर मेरे हाथ चूमे हैं। लेकिन वो कल का लौंडा सनी, अगर उसने ज्यादा रन बनाना शुरू कर दिया तो उसे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। हम उसी पोटे की तो बात कर रहे हैं रोनी साहब, हम पिच पर उस जगह डायनामाइट लगा देगा जहां पर वो खड़ा होकर खेलेगा, और जैसे ही उसने बड़ा रन बनाना शुरू किया धड़ाम से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा और हमारा गोला किसी दूसरे को छुएगा भी नहीं। डायनामाइट लगाने की टेक्निक हम जानता है। अगर वो रन स्कोर करने से पहले ही आउट हो गया तो जाने देना उसे, लेकिन अगर उसने रन स्कोर करना शुरू कर दिया तो वही उड़ा देना उसे। हम समझ गया सब, आप जैसा बोला वैसा माफी की होगा, पर उसके वास्ते आज रात को ही हमको क्रीज खोद कर बारूद ठूसना पड़ेगा। कुंडे शुरू कर दो अपना काम, मैं उसकी कब्र यहीं से कुत्ते हुए देखना चाहता हूं। वक्त बेवक्त की कोई बात नहीं, मुझे हर आधे घंटे के बाद हर इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। पूरे शहर में हर जगह हर तरफ हमारे पेट्रोलिंग स्क्वाड घूमते रहेंगे, पहरा देते रहेंगे, किसी पे जरा सा भी शक पड़े फौरन गिरफ्तार कर लो उसे, बूढ़ा हो या बच्चा, औरत हो या मर्द, क्योंकि ये वन डे इंटरनेशनल होके रहेगा। हम पहले इतना गोला बारूद ठूस चुके हैं कि पूरा स्टेडियम इत्मीनान से धुआं हो जाएगा, फिर भी रोनी की तसल्ली के लिए इसे खोदते रहो। इसमें से एक रिमोट कंट्रोल रोनी के पास रहेगा और दूसरा मेरी जेब में। वक्त आने पर वो इससे क्या करता है ये उसका विषय, पर हम पूरा का पूरा स्टेडियम जलाकर राख कर देगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। ओके, हमने तो अपना काम कर दिया रोनी साहब, अब क्लाइमेक्स आपके हाथ में है। आपको सिर्फ ये छोटा सा वायर इधर को जोड़ना है और हल्के सी ये स्विच दबाना है, बस। उस एयर इंडिया के निशान की साइड पे विकेट के सामने वाला खिलाड़ी जलकर खलास हो जाएगा, बट किसी और को हार्म नहीं पहुंचेगा। बस एक बात माइंड में रखने का है, जब इस स्विच को दबाना है तो ये रिमोट कंट्रोल स्विच उस जगह से 250 से 300 गज से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके। कौन है वहां? मैं हूं, अपना असिस्टेंट मनी के साथ पिच का इंस्पेक्शन के वास्ते आया था। वो दूसरा? मुझे नहीं पहचानते। सॉरी रोनी साहब, लेकिन आप इस वक्त यहां? बॉम्बे में नया आया हो, नहीं जानते कि पिछले कई वर्षों से ये स्टेडियम मेरे घर जैसा है। माफ कीजिएगा सर, तुम कुंडी लेकिन मेरे साथ चलोगे हमारी जीप में, अपने असिस्टेंट मनी को भी साथ ले लो। मैदान है हरा, भीड़ से भरा, खेलने चल दिए 11, विकेट हैं गड़े, तैयार हम खड़े, खेल शुरू होगा 11:15।
पौने 11 नहीं, 1 से ऊपर बजने को है। चलो। मैं क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट से मिल सकता हूं? प्रेसिडेंट के पास शराब में धुत लड़खड़ाते हुए पियकड़ों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। रानी पियकड़ ने इस देश का डार्लिंग है, आंखों का तारा। तारा था लेकिन अब कंकर बनने पे उतर आया है। देखो अपना हुलिया, ना ठीक से बोल सकते हो ना ठीक से खड़े हो सकते हो। कसूर किसका है? सिर्फ आपका। आपने मुझे इस अंधेरे में फेंक दिया क्योंकि आप जलते हो मुझसे। मैं जलता हूँ अपने भाई से? हाँ, जिसने पाल पोस के तालीम दे के बड़ा किया उसे। हाँ, जिसने अपना सारा वक्त, हर साल के सारे महीनों के सारे हफ्तों के सारे दिन अपने भाई को सिखाने में क्रिकेट फील्ड में गुजार दिए, ताकि जब रोनी मैदान में खड़ा होकर खेले तो उसके हर स्ट्रोक में वो क्लास नजर आए जिसे क्रिकेट का इतिहास लिखे। और एक ही स्ट्रोक में आपने किक करके मुझे टीम से आउट कर दिया। सुधर के दोबारा फॉर्म में आ जाओगे तो वापस ले लिए जाओगे अगली बार। हर खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है। आप रहेंगे बोर्ड में तो कभी मुझे वापस नहीं लिया जाएगा। तुम्हारी सबसे पहली टेस्ट सिलेक्शन के वक्त कौन लड़ा था तुम्हारे लिए, जब 6 बराबर के प्लेयर होते हुए भी सिर्फ तुम ही चुने गए? बराबर के नहीं, मैं उन सबसे कहीं ऊंचा था। भूल गए मेरी वो स्टेटमेंट जब मैंने दावे के साथ ऐलान किया था कि रोनी ही वो मास्टर है जिसे कोई बीट नहीं कर सकता? और अब वही अनबीटेबल रोनी आपको घटिया लगने लगा है इसलिए कि मैं आपसे कहीं आगे निकल गया हूं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत पी गए हो रोनी, इसलिए कि आप मुझसे नफरत करते हैं। यू हेट मी हेट मी हेट मी हेट मी। आपने मुझसे हमेशा नफरत की इसलिए कि मैं आपका सौतेला भाई हूं। रोनी, आपकी फादर की दूसरी बीवी से। रोनी, उससे भी आपने हमेशा नफरत की क्योंकि वो उनकी दूसरी बीवी नहीं बल्कि एक फॉरेनर थी, एक अंग्रेज, उम्र भी उनसे कई छोटी। रोनी, जिसे आपने फादर के मर जाने के बाद इस घर में कभी वेलकम नहीं किया और यही दुख लेकर वो बेचारी इस दुनिया से चल बसी। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है रोनी, अब भी करता हूं, पहले से भी ज्यादा। तुम इस आखिरी और सबसे अहम वनडे इंटरनेशनल में नहीं खेल रहे, इसका सबसे ज्यादा दुख मुझे है। तुम्हारे उस लटके हुए टेस्ट ब्लेजर को देखते कर मैं पिछली कुछ रातें कितने आंसू बहा चुका हूं, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है भाई। आप अब भी टीम में शामिल कर सकते हैं मुझे? नहीं कर सकता भाई। आपका कहना कोई नहीं टालेगा। सही फैसला गलत नहीं किया जा सकता। लेकिन यह फैसला गलत है। जमीर और डिसिप्लिन के बिना पर किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। आपका यह फैसला इंडियन क्रिकेट टीम की कब्र खोद देगा। कोई एक खिलाड़ी खेल की कब्र नहीं खोद सकता। लेकिन अब की बार खुदेगी, बर्बादी होगी बर्बादी, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। सभी की उंगलियां आप ही की तरफ उठेंगी। जीवन भर का दिया हुआ सारा प्यार उससे एक ही लम्हे में भूल जाते हो रोनी। भाई साहब, आपको पता है आज पर्ची है मेरी माँ की, हमारी माँ की। हर साल की तरह मैंने आज भी उनकी तस्वीर पर उनका फेवरेट नीले रंग का रिबन लगा रखा है। याद है अपने बालों में हमेशा ऐसा ही रिबन लगाना पसंद करती थी। और जानते हो किसने रखा रोनी तुम्हारा नाम? आपने। क्यों? इसलिए कि माँ ने कहा विकी तुम रखोगे अपने छोटे भाई का नाम, और मैंने कहा अगर विक्रम से मैं विकी हूं तो मेरा भाई रणबीर से रोनी होगा। मारिया लापता है सर, और उसके घर पे ताला है। और वो होटल वाले क्या कहते हैं जहां डांस करती है? सर ये तो उनको भी नहीं पता कि वो कहां है। पीस लविंग एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन को चैन से जीने भी नहीं देता ये पुलिस वाला। मैं एक्शन लेगा, रिपोर्ट करेगा डीजीपी साहब को। कल रात 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 1 मिनट के वास्ते भी हमको अकेला नहीं छोड़ा। घर में ऐसे घुसाया जैसे कि इनवाइटेड मेहमान हो, बिना सर्च वारंट के तुम लोग ऐसा घुसाया। गुड मॉर्निंग कुंडे। सर आप, मेरे को कहा गया कि डायरेक्टर जनरल साहब ने समन किया। गलत नहीं कहा गया, लेकिन आप तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है सर। ये पुलिस वाले होते ही ऐसे। मुझे इस कुर्सी पर बैठने के लिए समन किया गया, मैंने यहाँ बैठकर आप लोगों को समन कर लिया। ऐसा समन तो खुशी का बात है सर, आपसे सुबह सुबह मुलाकात हो गया
खुशी हुई सुनकर कि आपको खुशी हुई यहाँ पहुंचकर। क्या खबर है आने वाले मैच की? खबर फर्स्ट क्लास है सर, बस ये पोस्टर लगाने वालों का जोक समझ में नहीं आता। तुम इसे जोक समझते हो कुंडी? क्या मालूम सर, जमाना बदल रहा है, पहले जैसा नहीं रहा, आज अब जब जोकरों से भरा पड़ा है ये। इन जोकरों को कैच करने में तुम्हारी मदद चाहिए कुंडी। मेरा क्यों सर? इसलिए कि स्टेडियम को उड़ा देने की धमकी दी गई है और स्टेडियम के नाम से कुंडी का नाम सामने आता है। मेरा माफी को, मुझसे बहुत सा बड़ा लोग इस स्टेडियम में काम करता है सर। आई एम ए हम्बल सर्वेंट और हम तो 15 बरस से लॉयल वफादार डॉग की तरह ऑनेस्टी से काम करता है सर। सर स्टेडियम में तुमने लॉयल डॉग की मिसाल दी, इसलिए पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे पैदाइशी देश वाले ये कौन है जो अचानक अपने आप को इस देश के दुश्मन समझने लगे? मेरा पैदाइशी देश वाला हजारों लोग इस टाउन में है सर। मैं अपने उन हजारों देशवासी देश प्रेमियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन आतंकवादी टेररिस्ट की बात कर रहा हूं। नहीं मालूम सर, आप मेरे को बरसों से जानते हैं सर। मैं बंबई शहर को भी बरसों से जानता हूं, तो भी सब कुछ नहीं जानता इसके बारे में। आप मेरा इंसल्ट कर रहा है सर। हमारा साथ दोगे तो तुम्हारा सम्मान भी करूंगा। मैं आपके साथ है सर, लेकिन हम इनोसेंट है, आप हमारे साथ सख्ती मत करो सर। अभी तो सिर्फ सख्त हुआ हूं कुंडी, कहीं ऐसा ना हो मुझे पुलिस वाले वो तरीके इस्तेमाल करने पड़े जिससे तुम्हारी चुप्पी बोलती में बदल जाए। सॉरी सर, हम लोग कुछ भी नहीं जानता, हम लोग आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेगा, दीजिए इसे वो इंजेक्शन जिसके देने के बाद इंसान सच बोलता है। सर, स्टडी में सर्च करते वक्त जहां कुंडी रहता है वहां एक सुराख में से ये सारी चीजें मिली। ये तो बारूद उड़ाने का रिमोट कंट्रोल स्विच है। जी हाँ, और ये देखिए इसके पीछे पड़ी सर। टेम्पल फ्लावर संस्था को स्थापित करने वाले मेंबर्स 7 लोग हैं, मरिया के अलावा कुंडी और मणि और इसे लार्ज करवाइए। जी इंजेक्शन देने से पहले इसने अपने गले में बंदी जहर की गोली जबान पर रखी और खत्म। ये भी अपने गले की चेन में से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा था सर। साफ जाहिर है कि यही लोग हैं जो इस रिमोट कंट्रोल स्विच से स्टेडियम को उड़ाने के ख्वाब देख रहे थे। बंद कर दो इसे भी सेल में, जो रह गया ये बताएगा। टीबी सेंटर से मिलाइए। प्लीज स्टैंड बाय फॉर एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय डीजीपी। चलो सुने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कुछ कहने वाले हैं आने वाले मैच के बारे में। नमस्कार। इन पिछले 24 घंटों में मुझे बहुत पहले आपके सामने आना चाहिए था। तुम्हारे भाई विकी साहब तो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। टेररिस्ट की धमकी के बाद कुछ अरसे के लिए वापस पुलिस डिपार्टमेंट में बुला लिए गए। शहर में लगे पोस्टरों के पीछे जिन आतंकवादियों का हाथ है पुलिस के जाल में फंस चुके हैं, उनकी साजिश पकड़ ली गई है और अब स्टेडियम में मैच को कोई खतरा नहीं। जनता बिल्कुल इत्मीनान रखे और कल का होने वाला वन डे इंटरनेशनल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है बड़ी धूमधाम से खेला जाएगा। ये और आप सब शांतिपूर्वक हक से खेलते खुशी खुशी अपने परिवार बच्चों और दोस्तों के साथ स्टेडियम में जाइए और इस मैच के मनोरंजन में भाग लीजिए। चलती हो क्या होगा? मोटर कार इंपोर्टेड। चूम 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 हाथ मेरा
लोगों के बर्तन साफ करती, कपड़े सीती और खुद फटे पुरानों में खुश। लेकिन इस लड़की को रंगों और डिजाइन का इतना बढ़िया सेंस था कि इसे कपड़ों के बड़े स्टोर में काम मिल गया, उनके डाइंग डिपार्टमेंट में, जहाँ मैं दिन को काम करती और रात को स्कूल जाती। और एक दिन आया, ऐसा आया कि इसने किसी स्टेट की रानी के कपड़े इतने सुंदर डिजाइन किए कि उन्होंने खुश होकर मुझे एक मशहूर फैशन डिजाइनर मिस रंगून वाला की इस बुटीक में जॉब दिलवाया। ओ दादाजी, आइए आइए आइए, ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी, ये आरती। जीती रहो बेटी। मेरी माँ। नमस्ते। दादाजी और मैं एक मोटर गैराज में रहते थे और सड़कों पे लगे पाइप्स का पानी पीते थे और रोज एक चने बेचने वाला गर्मा गर्म चने बेचने आता था। जिसके चने चबाते चबाते मैंने एक दिन सुनील गवासर की गाड़ी का पीछा किया। उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, मैंने उसका टायर फिक्स किया और उसने खुश होकर इसकी स्कूल की फीस देनी शुरू कर दी। और भूल गया दादाजी, एक क्रिकेट बैट और बॉल भी दिया था गावस्कर साहब ने मुझे, जिसकी वजह से इसने मोहल्ले के साथियों से मिलकर सारी बस्ती को क्रिकेट का मैदान बना दिया। क्यों नहीं, वरना मैं स्कूल की टीम में कैसे भर्ती होता। स्कूल की टीम से इसे मिल की टीम में प्रमोशन मिला, जहां ये अब भी काम करता है। और अब इंडियन टेस्ट टीम नटकट दबंगा कहीं का। दादाजी से बहुत प्यार है मुझे, जैसे मुझे मेरी माँ से। और हम दोनों को तुम दोनों पर गर्व है। यहाँ ड्रेस बेचने वाला कोई है? प्रभोन स्टेडियम, मैं कुंडी से बात कर सकती हूँ? कुंडी से? कुंडी यहाँ नहीं है। कुंडी नहीं है? Suicide in the police station after consuming poison. कुंडी ने पुलिस स्टेशन में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये
इंसास के ग्रुप में पांच अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आए। मणि कुछ बोला? जितना झिझोड़ सकते थे उतना झिझोड़ दिया है सर। अब इस हालत में है कि पूछते ही सब कुछ उगल देगा। इस रिमोट कंट्रोल स्विच की क्या कहानी है? क्या पूछा मैंने? अगर मैं बोला तो आप मुझे मार डालेंगे। तू वैसे भी जिंदा नहीं जाएगा यहां से अगर नहीं बोला तो। इन्हें बाहर भेज दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अब बताओ कौन है इसके पीछे? रोनी। रोनी? हाँ, क्रिकेटर रोनी। क्या? हाँ, आपका भाई रोनी। अगर ये झूठ निकला तो तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। स्टेडियम को उड़ाने में रोनी का हाथ है। रोनी स्टेडियम कैसे उड़ा सकता है? ऐसे रिमोट कंट्रोल स्विच से जो इस वक्त आपके हाथ में है। और वो बारूद कहां छुपाया है? अगर ये सच है तो डायनामाइट कहां छुपाया है स्टेडियम में? मेरे वो डायनामाइट स्टेडियम में कहां छुपाया है? पहले कमजोर है, खत्म हो रहा है। मरने से पहले ईश्वर का नाम लेने दीजिए। ईश्वर का नाम लेके कहो, ईश्वर का नाम लेके कहो कि रोनी का हाथ है इसमें। रोनी के पास ऐसा ही दूसरा रिमोट कंट्रोल स्विच है। बक रहे हो, जिसको ऑन करते ही वो स्टेडियम को 300 गज की दूरी से आग का गोला बना देगा। तो वो बारूद कहां छुपाया है? बारूद, बारूद। वो सर, कल रात मैंने भी रोनी को कुंडी और मनी के साथ स्टेडियम में देखा था। मेरे घर पे फोन लगाओ। आपका ये फैसला इंडियन क्रिकेट टीम की कमर खोद देगा। बर्बादी होगी बर्बादी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। सर, आपके घर का चौकीदार। चौकीदार? जी साहब। रोनी बाबा हैं? नहीं साहब। कब निकले घर से? कल रात आपके साथ झगड़ा करने के बाद वापस नहीं लौटे। कल सुबह मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो, पता लगाओ कि रोनी कहां है। कोना कोना तलाश करो, सिक्योरिटी में कहीं कोई ढीलापन नहीं रहना चाहिए। आज मेरा पहला मैच है। सूरज चढ़ते ही उसे नमस्कार किया और मन से आरती होंठों पे आने लगी। मैं भी तैयार थी तुम्हारे पास आने के लिए। माँ भी मेरे साथ आ रही थी तुम्हें तिलक लगाने। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे बेटा, यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं जरूर जीतूंगा। चलता हूँ, टीमें किसी वक्त भी स्टेडियम में इकट्ठा हो सकती हैं। पहले ब्लेजर तो पहनो, मैं पहनाती हूँ और छोड़कर भी आऊंगी अपने फेवरेट क्रिकेटर को स्टेडियम तक। माँ मैं अभी आती हूँ और फिर हम दोनों यही टीवी पर मैच देखेंगे।
I love you. इसे हमेशा अपनी जेब में रखना और मुझे अपने मन में सेंचुरी बनाओगे। जरूर बनाऊंगा। अगर तुम कभी लड़खड़ा गए या नर्वस हो गए तो इस स्विच ऑन कर देना। I love you. सेंचुरी भागी भागी तुम्हारे कदमों में आएगी। The 50,000 spectators are expecting a thrilling display ahead of them, and for the most exciting match of the season, your next commentator in Hindi, Mr. Wagle. बम्बई के ब्राबर्न स्टेडियम से एन वागले आप सबका स्वागत करता है। आइए हम आपको दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय करा दें जो कि आज मैदान में उतरने वाले हैं। आज भारतीय टीम में रोनी की कमी जरूर महसूस की जाएगी, वो पिछले दोनों मैचों में जम नहीं पाए और जैसा कि आपने देखा सुना और पढ़ा होगा, रोनी ने फील्ड में कुछ ऐसी हरकतें की जो कि इस देश की बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। ये हरामी कमेंटेटर्स अपने आप को सबका बाप समझते हैं, ऐसी बातें करते खिलाड़ियों के बारे में जैसे कि यही उनके गुरु रहे हो। पकने दो साले को, अभी देखना मेरे फैंस ताली पीट पीट कर मेरे ही नाम का नारा लगाएंगे। आज स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों और दुनिया के तमाम क्रिकेट प्रेमियों की नजरें और आशाएं उस नए उभरते हुए बैट्समैन सनी से बड़ी उम्मीदें रखती है। सनी पिछले 5 वर्षों में भारत की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी हैं। सनी हाँ, इन देखने वालों के पले निराशा ही पड़ेगी, बच्चों का खेल नहीं है क्रिकेट। इसको तो अभी तक ठीक से शेप बनाना भी नहीं आता, ये क्रिकेट क्या खेलेगा। और अब जबकि दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में जा रहे हैं, इस बीच हम आपको सनी से मिलाते हैं। आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सनी की जिंदगी का पहला एक्साइटिंग मैच, उसके बारे में उनका क्या कहना है। माँ देखो सनी कितना अच्छा लग रहा है ब्लेजर में, और सूरज भी बिल्कुल उसके मुंह पर है। आई लव यू ऑल ऑफ यू। मैं अपने शुभचिंतक चाहने वालों से यही कहूंगा कि मैं अपनी टीम और देश के लिए पूरी कोशिश करूंगा। भारतीय टीम के कप्तान टॉस हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान ने पहले ही बैटिंग करने का निर्णय कर लिया है। बत्रा। जी सर। दोनों कैमरे फिक्स कर दिए? जी हाँ, एक कैमरा मैंने वहां फिक्स कर दिया है स्टैंड पर और दूसरा उस कोने पर। गुड। और एक कैमरा हैंड ऑपरेटेड दर्शकों के बीच में रहेगा। वेरी गुड। देखो लंच ब्रेक में हम लोग जुहू फ्लाइंग क्लब जाएंगे, हेलीकॉप्टर बुक करके रखा है। मैच के फाइनल एक्साइटिंग मोमेंट्स हम हेलीकॉप्टर से यहाँ से टॉप से शूट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने 9 ओवर में 54 रन बना लिए और उनकी लंच ब्रेक में बस बस बस, जब से मैच शुरू हुआ है टीवी से चिपक के बैठे हैं दोनों, न स्कूल न पढ़ाई न दफ्तर। चलो खाना खा लो, खाना लगा है टेबल पर। मम्मी डिस्टर्ब मत करो, देखने दो, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना यही लेके आओ। तो फिर भूखे ही रहो। चलेगा। क्रिकेट खाओ क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द फर्स्ट विकेट व्हेन द स्कोर वाज 59 द सेकंड। ये दफ्तर है दफ्तर, कोई स्टेडियम नहीं है। बंद करो ये क्रिकेट कमेंट्री। इस गेंद बल्ले के खेल ने निकम्मा कर दिया सारे देश को। जब देखो तब क्रिकेट, सोते क्रिकेट, हंसते क्रिकेट, रोते क्रिकेट, जागते क्रिकेट, खाते क्रिकेट, पीते क्रिकेट, बंद करो ये क्रिकेट। सड़क गली में से गुजरो तो विकेट लगाए गेंद फेंकते मोहल्ले के बच्चे, एक जाते का सर फूटा, एक की गाड़ी का शीशा। मैं इस गेम को बंद करा दूंगा, मैं इस गेम को बैन करा दूंगा। आई टॉक टू सीएम, आई टॉक टू पीएम अबाउट दिस। ड्रिवन थ्रू द एक्स्ट्रा कप ऑफ फैन सपोर्ट बाउंड्री। या जरा 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 लाउड करना, वॉल्यूम वॉल्यूम, बाउंड्री मारी। साला कुछ भी कहो है, बड़ा मजेदार गेम। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 144 रन 3 विकेट पर, 3 विकेट पर 144 रन। कैमरामैन बत्रा साहब का फोन आया है। बत्रा, मैं रोनी बोल रहा हूँ। अरे रोनी, अरे मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था यार। अरे तुम्हें टीवी पर मिस कर रहे हैं हम लोग। यस यस यस, तुम तो सब कुछ जानते ही हो। बत्रा, मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया कि मैं हेलीकॉप्टर में तुम्हारे साथ स्टेडियम पे जा रहा हूँ। जरूर। अरे मैंने पायलट से कह रखा है तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा जगह है। मगर तुम्हारे डायरेक्टर साहब को एतराज तो नहीं होगा? वो तो उल्टा खुश है कि रोनी हमारे साथ रहेगा।
वो तो तुम्हारा शॉट लेना चाहता ऊपर से मैच देखते हुए। हमारी डॉक्यूमेंट्री में चार चांद लग जाएंगे रॉनी, तू आ जा बस। थैंक यू। पत्रा हमें तो क्लाइमेक्स की वक्त ही उड़ना है स्टेडियम के ऊपर से, टेक ऑफ से पहले पहुंच जाऊंगा। वैसे दूर नहीं हूं फ्लाइंग क्लब से, चुटकी बजाते ही वहां। ठीक है, दिल्ली से होम मिनिस्टर साहब का फोन है। विकी हियर सर। हमारे सुंदरम साहब को उन्हीं के घर में बंद कर रखा है आपने, छोड़ दीजिए पीछे उनका। वो हमारा साथ दें तो छोड़ देंगे उन्हें? कैसा साथ? डांसर मरी और उसके चार साथी अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे। उनका मिस्टर सुंदरम से क्या वास्ता? हमारे रिकॉर्ड पर है कि मिस्टर सुंदरम का वास्ता उन सब मिलिटेंट से है, उनके किसी एक ग्रुप से, और कॉमन सेंस कहती है कि उन पर निगरानी रखने से हमें कुछ ना कुछ सूंग जरूर मिलेगी इन पांचों भागे हुए आतंकवादियों की। बहुत दूर की सोचते हैं विकी साहब। आपने जिम्मेदारी जो सौंपी है इस पुलिसमैन को। विकी साहब ये मत भूलिए कि मिस्टर सुंदरम हमारे पार्टी के बहुत बड़े बैंक हैं। हमारा इलेक्शन फंड उन्हीं के चंदे से आता है। आपको अपने इलेक्शन फंड ज्यादा कीमती हैं या अपने खिलाड़ियों और देश निवासियों की जाने? विकी साहब फंड्स के बगैर पार्टी कैसे चल सकती है? मिस्टर सुंदरम जैसे बैंकर्स नहीं होंगे तो हम अगला इलेक्शन हार सकते हैं। पार्टी हारे या जीते लेकिन मैं इस वक्त उन हजारों लोगों की हार नहीं होने दूंगा जिन्हें बचाने का मैंने बीड़ा उठाया है। ये मेरा ऑर्डर है कि आप मिस्टर सुंदरम को छोड़ दीजिए। मुझे अफसोस है मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मान सकता। अफसोस होगा आपको, मालूम है आप होम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं। इन टेररिस्ट से लड़ाई मैं तभी जीत पाऊंगा जब ऑर्डर्स मेरे होंगे किसी और के नहीं। आप कहें तो अभी फोन ही पर इस्तीफा दे दूं। अपने सबद में तैयार है। तुम सबका हथियार ऑयल टैंकर में छुपा के रखा है जो हवाई जहाज को रिफ्यूलिंग के लिए जाएगा। उस ड्राइवर का जेब भी गरम कर दिया है, उसको जाके मिलना। यानी कि टैंकर से सामान लेते हुए जाना है हवाई जहाज में, उड़ने से पहले उसे सफाई करने के लिए। एक ऑस्ट्रेलियन विस्की। कोई डर नहीं। होल्ड ऑन सर, पुलिस हेडक्वार्टर, मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इसी वक्त बात करवाइए। इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रही हूँ। टेलीफोन एक्सचेंज से आपके लिए फोन है सर। यस, डीजी पुलिस। सर, विदेश से कोई मिस्टर सुंदरम के नाम एक कॉल है, क्या ऑर्डर्स हैं आपके? इंस्पेक्टर शेख और जयदेव को तो भेजो। कॉल करने वाले से कहो कि सुंदरम साहब घर पे नहीं है लेकिन उनके चौकीदार के मैसेज है कि एक घंटे के अंदर फोन करें, वो जरूर टेलीफोन पर मिलेंगे। इंटरनेशनल ऑपरेटर बॉम्बे स्पीकिंग। आपने पूरी बात समझ ली ना? वो देखो एक चौकार मारा उसको। अरे गोरे जीतेंगे गोरे, देख लेना तुम लोग। ऑस्ट्रेलियन विस्की। पानी की तरह पीते हो, पूरी बोतल ना रख दूं सामने? अरे आज ऑस्ट्रेलिया का दिन है, रख दे तू बोतल सामने। और फिर एक चौका। अरे एक बाउंड्री और मारा ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत खुश हो, ऑस्ट्रेलिया रन पे रन बनाता चला जा रहा है। अगर इंडिया जीत गई ना तो मैं तुमको एक इंडियन विस्की का बोतल देगा, और अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया जीत गया ना तो मैं ये सारा का सारा बार उठा के चला जाएगा। बैट बैट, इंडिया हारेगी। लगाओ इसे हथकड़ी, ले जाओ। सर, होम मिनिस्टर से ऑर्डर्स आए हैं कि हम फौरन आपका घेरा हटा दें। अब देखना, तुम सब की नौकरियां जाएंगी, और सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकी की।
सर अगर कोई गलती हमसे हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। चलो टेंशन खत्म हुआ सर। इलने नहीं दे रहा था मेरे को जगह से सर। देखो कौन फॉरेन से काल है सर। उन लोगों को बोलो अभी कॉल ना करें। मैं सुंदरम साहब का सेक्रेटरी तुम यहाँ पे काल नहीं करना। मैं बाहर से फोन करके तुमको बताएगा कि हम कहां तक पहुंचा अपने प्लान में। बाहर से नहीं यहीं से बताएंगे। और अभी कहां तक पहुंचे हैं आप? क्या है आपके इस नेटवर्क का पूरा प्लान और कौन कौन है इसमें? इंस्पेक्टर रामू आप यहां से हिलेंगे नहीं मिस्टर सुंदरम। मैं फिर से हॉटलाइन पर होम मिनिस्टर से बात करना चाहूंगा। पकड़ लिया सर। ये हजार टीवी पे मैच देख रहे थे और ये पहले मिल चुका हूं आपसे। सुंदरम साहब के बंगले पे हमने आपको रिसीव किया था सर। मेरी आंखों ने कैसे धोखा खा लिया। पहली बार होम मिनिस्टर से मिला ये। सब मैं पहले आर्मी में था। मैं आपको सेट मारना चाहता मगर ये हथकड़ी सब जल जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करवा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सी यू सब सी यू। होम मिनिस्टर लाइन पर है। ले जाओ इन्हें पूछताछ के लिए। विकी अगेन हियर सर। दो टेररिस्ट पकड़ लिए गए हैं जिनमें से एक आपके मिस्टर सुंदरम के प्राइवेट सेक्रेटरी निकले। क्या क्या कह रहे हैं आप? अब आपके क्या ऑर्डर्स हैं मेरे लिए सर? मिस्टर सुंदरम का घेराव जारी रखूं या? और अभी अभी हमारे आदमियों ने मिस्टर सुंदरम के बंगले पर उन्हें आई एक कॉल इंटरसेप्ट की तो उन्हें शक पड़ा कि वो डांसर मरिगा की थी। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन इससे पहले कि वो आई हुई कॉल के नंबर को पकड़ सके उसने टेलीफोन बंद कर दिया। क्या ऑर्डर्स हैं आपके? मैं आपके ऑर्डर से चलूं या? नहीं आप अपने हुक्म से चलिए। ट्रैफिक कंट्रोल कुछ पता चला रोनी का? अभी तक नहीं सर। सब रास्तों पर पुलिस गाड़ियां रोक रोक कर देख रही है। ये छक्का सिक्सर का 6 रन। कंट्रोल रूम रोनी का कुछ पता लगा? हमारे आदमी हैं सर शहर के सभी होटलों में। रोनी का कहीं पता नहीं। और ये फ्रेडरिक का दूसरा छक्का 6 रन और लगातार तीसरा छक्का। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का शानदार हैट्रिक जो हमारे प्लेयर रोनी की याद ताजा करती है। आपको याद होगा 3 साल पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोनी ने तूफानी बॉलिंग के खिलाफ धुआंधार बैटिंग की थी और लगातार 3 छक्के जमाए थे। Cheers, रोनी लेडीज एंड जेंटलमैन जिसने आज के टेस्ट मैच में 3 सिक्सर्स का हैट्रिक किया और उसी ओवर में 25 रन का रिकॉर्ड कायम किया। रोनी मेरा भाई और अब मेरा हीरो क्रिकेट जगत का हीरो जिसने पिछले 5 बरस में अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े क्रिकेट की शान बढ़ाई और आने वाले नए खिलाड़ियों को प्रेरणा दी इंस्पिरेशन दिया। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें क्रिकेट का वो गाना सुनाएं जो आप दोनों भाइयों ने कंपोज किया है। क्रिकेट मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलनी चलती है ग्यारह विकेट है गड़े तैयार हम खड़े खेल शुरू
होगा पौने ग्यारह। मैदान है हरा, भीड़ से भरा, खेल लिए चल दिए ग्यारह। विकेट है गड़े, तैयार हम खड़े, खेल शुरू होगा पौने ग्यारह। ये है क्रिकेट, आउट। ये है क्रिकेट, आउट। ये है क्रिकेट, आउट। ये है क्रिकेट, सिक्सर। ये बॉल घूमती हवा चूमती, हुआ LBW बेसहारा। ये है क्रिकेट, सिक्सर। ये है क्रिकेट, बाउंड्री। ये है क्रिकेट, LBW। ये है क्रिकेट, सेंचुरी। जब चाल बाजियां बेहतरीन कैच, जीतना है मैच, फील्डर की देखो कलाबाजियां। मैदान है हरा, भीड़ से भरा, खेलनी चल दिए ग्यारह। ये है क्रिकेट, स्टेडियम लगाओ। सर सब ठीक है? सब ठीक है सर, बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है मैच, लोग मजा ले रहे हैं। रोनी कहीं नजर आया स्टेडियम में, ऊपर नीचे आस पास किसी बिल्डिंग पे? कहीं नहीं सर। ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे विकेट खोकर 275 रन बनाए हैं, 40 ओवरों में 275 रन। 275 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भारत के सामने है, अगर भारत ये लक्ष्य पूरा करता है तो हार टल सकती है। चल सकती थी अगर रोनी होता तो, मगर बगैर रोनी के इतने रन बनाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। हमारे प्रधानमंत्री साहब पधारे हैं, लोग उठकर तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं।
मगर क्या फायदा, हमारी टीम पिटने वाली है। खाली ग्लास होंठों से लगाए हो। तुम इतनी दूर जो खड़ी हो जानी, लो पिया पीते। फर्स्ट इंडियन विकेट डाउन, पहला हिंदुस्तानी विकेट गिर गया। फेंको इस बियर की बोतल को, शैंपेन खोलो, शैंपेन। बिना कोई रन बनाए भारत ने अपना पहला विकेट खो दिया है। भारत का स्कोर है 1 विकेट पर 0 रन। और अब दूसरे खिलाड़ी आ रहे हैं, भारत के कप्तान स्वयं फील्ड में चले आ रहे हैं। इससे लगता है बिगड़ती हुई स्थिति संवर जाएगी और होम टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ, अबे ओ उल्लू के चर्चे कमेंटेटर, टीम को कैप्टन की नहीं रॉनी की जरूरत है। आ रहा हूं मैं, और तुम यहीं से टीवी पर इस तमाशे का धमाकेदार अंत देखना। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? अपने नाम की उस ऊंचाई पर जहां रॉनी अभी तक नहीं पहुंचा, और जहां से वो उन सबको नीचा दिखाएगा। एक पहेली बनते जा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो मुझसे रॉनी? बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें अंदर ही छुपी रहनी चाहिए जानी, लेकिन क्योंकि तुम जानी हो और हमने बहुत प्यार किया है तुमसे, तो खोल देता हूं वो राज। ये देखो, बम का रिमोट कंट्रोल स्विच, बारूद से पूरा स्टेडियम एक ही धमाके से उड़ा सकता हूं, अगर और जब मैं चाहूं। तुम स्टेडियम को उड़ाने जा रहे हो? अगर इसके बारे में एक लफ्ज और निकाला तो मिस्टर लोपो जिस सख्ती से उनके साथ पेश आने जा रहा है, उसी सख्ती से तुम्हारे साथ भी पेश आएगा। मरिया को जानी कहा है तो मरिया भी जान दे सकती है अपने रानी के लिए। सब कुछ बता मुझे। तुम यही कमरे में बंद रहोगी जानी, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रानी कब और किधर उड़ गया यहां से। यही इंतजार करना मेरा। अकेले छोड़े जा रहे हो? मुझ पर कुछ आन पड़ी तो कहां पहुंच पाऊंगी तुम्हें? पहले जू फ्लाइंग क्लब जा रहा हूं, वह हेलीकॉप्टर मेरा इंतजार कर रहा होगा। आसमान से मैच देखूंगा और वक्त आने पर दुनिया मैच का क्लाइमेक्स देखेगी। मिसेस लोबो हियर, मुझे एक नंबर चाहिए। यस मरिया हियर, मिस्टर पीटर स्मिथ। सामान पहुंचा दिया। कहता उन दोनों से जिनका इंटरोगेशन हो रहा है कि खाल उधेड़ दी जाएगी उनकी अगर नहीं बताएंगे कि मरिया कहां है। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकी से बात कर सकती हूं? मारिया, पहले आपको मुबारकबाद देती हूं कि आप फिर से पुलिस चीफ बन गए। सब आप जैसे मेहरबानों की बदौलत। तुम्हारे दीदार के लिए तरस गया हूं। एक कम अब भी आ जाइए तो आपके काम आ सकती हूं। कहां आ जाऊं? पहले जेंटलमैन वाला वादा देना होगा कि आप अकेले आएंगे। मरिया जैसी डार्लिंग से मिलने अकेला नहीं तो क्या अपनी फौज लेके आऊंगा? तो फिर सन एंड सैन में आ जाइए, रूम 220, मिस्टर एंड मिसेस लोबो के नाम पर बुक है। हाय रॉनी। हाय। अरे तूने मुझे को बड़ा कर रखी है यार। मेरी एक नई स्वीटहार्ट को बहुत पसंद है। तेरी आदत नहीं जाएगी। बाय द वे, मीट माय यूनिट मेंबर्स। हेलो मिस्टर रॉनी। ये हमारे डायरेक्टर है मिस्टर रॉय। हेलो हेलो, परसों से तमन्ना थी आपसे हाथ मिलाऊं। मैच प्लीज कम। हम लोग कब उड़ रहे हैं ऊपर? बस कुछ ही देर में, जैसे ही मैच क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ा हम उड़े। रॉनी हेलीकॉप्टर से स्टेडियम में जाएगा, उसकी जेब में रिमोट कंट्रोल का स्विच है जिससे वो स्टेडियम को
उड़ा देगा। हाँ। और वो इस वक्त जुहू फ्लाइंग क्लब में है। ओह कम ऑन, जल्दी जल्दी, बस एक मिनट में चेंज करके आ रहा है। सनी ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड और वक्त की रफ्तार के साथ हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं। क्या खबर है? आपका कोड मैसेज 19 चांसेस आते ही हमने हमारे कमांडोज एयरक्राफ्ट में छिपा दिए थे और रिजल्ट वरना प्लेन हाईजैक कर लिया जाता। गुड, यानी कि सारी शरारत उसी गैंग की थी जो उस तस्वीर में है। मरिया से बात करवाइए। विक्की साहब का फोन। फोन मरिया के सामने है सर। मरिया, जेल में एक बार मिलने तुमसे जरूर आऊंगा ताकि ये ना समझो कि विक्की भूल गया तुम्हें। कौन कौन गया उस हेलीकॉप्टर में? क्रिकेटर रॉनी और फिल्म बनाने वाले लोग। उधर पीछे खड़े हेलीकॉप्टर का कोई पायलट है यहाँ? ऊपर उस हेलीकॉप्टर का पीछा करना है। आप उड़ेंगे मेरे साथ? पहले हेलीकॉप्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं इस देश की पुलिस आप का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? दैट्स राइट। मैं सोच ही रहा था सर, मामला गंभीर है, मैं जिम्मेदार रहूंगा इस फ्लाइट का। आज सुबह ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं उड़ा नहीं सकूंगा। तो फिर मैं उड़ाऊंगा उसे, आप मेरे साथ बैठिए कुछ टेक्निकल बातें समझाने की। लेकिन सर वक्त जा रहा है, सोची नहीं मैंने उड़ाए ऐसे हेलीकॉप्टर कई बार। आइए। सनी तुम ठीक हो? Are you okay? सनी! I love you. अगर तुम कभी लड़खड़ा गए या नर्वस हो गए तो इस स्विच को ऑन कर देना। आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ऑन विद द गेम। और सनी फिर से मैदान में आ चुके हैं अपने अटल आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए। फिर से बाउंड्री के पार, छह रन और। शानदार और यादगार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं
अब भारत को जीतने के लिए 20 ओवरों में 150 रनों की जरूरत है और ये लक्ष्य कोई मामूली नहीं है बल्कि बड़ा मुश्किल है और मुझे तो नामुमकिन सा लगता है लेकिन सनी के फॉर्म को देखते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आउट आउट। भारत ने अपना एक और महत्वपूर्ण विकेट खो दिया है। इसके साथ ही कप्तान पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त भारत की टीम को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है जबकि सनी और कप्तान की जोड़ी अच्छी तरह जम चुकी थी, काफी स्थिरता आ चुकी थी। ये लड़का रॉनी गुस्से में पागल होकर कुछ भी कर सकता है। मुझे। नहीं। ऐसी भी क्या बात हो गई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया बड़े साहब, ये डिब्बा यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ से उठाया और इसमें जो दाने थे ये मुर्गियों को खिला रहा था। ऐसे वो डिब्बा मैंने अपने टारगेट प्रैक्टिस के लिए रखा था ताकि जब मेरे निशाने से उसमें से दाने गिरे और मुर्गियाँ भागती हुई ना चुनने के लिए आए तो मैं उनका भी निशाना बनाऊं। तुमने डिब्बा क्यों हटाया? रोनी तुमने उसमें गोली चला दी। क्या चाहिए वरना पर भी गोली चला दूंगा भैया। अपनी जिद और गुस्से को कंट्रोल करना सीखो रोनी। जिस खेल को हमने अपना सारा जीवन दिया उस खेल से तुम दगा नहीं कर सकते मेरे भाई। देखो वो नीचे स्टेडियम है उसके ऊपर ले लो, इससे नीचे लेंगे तो मैच डिस्टर्ब होगा। एक बार तो ले लो। सुनो क्लोजर पकड़ने हैं, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। मेरे पास नीचे लेने की परमिशन नहीं है, जो लेना इसी हाइट से लीजिए आप। हेलीकॉप्टर को नीचे लो, बिल्कुल स्टेडियम के ऊपर से। हेलीकॉप्टर में आने का फायदा है कि अगर मैच का मजा ना ले सके और आप लोग भी ठीक से फोटोग्राफी ना कर सके। तुम फिक्र मत करो, रोनी तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देगा। इस हेलीकॉप्टर की आवाज में तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन ही तोड़ दी। गेम जारी रखिए। दिस इज विकी स्पीकिंग। ये रोज की रूटीन फ्लाइट है सिक्योरिटी के लिए, घबराने की कोई बात नहीं। गेम जारी रहे, ये रूटीन फ्लाइट है सिक्योरिटी के लिए, गेम जारी रहे। कैरी ऑन। मेरे भाई साहब हैं, वो भी ऊपर से मैच देखने आए हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, नीचे लो नीचे। क्रिकेट पिच और हमारे बीच 300 गज से कम का फासला होना चाहिए। हेलीकॉप्टर को और नीचे लेके गए तो मेरे हाथ में बंदूक है। तुम्हारे हेलीकॉप्टर का पेट्रोल टैंक जाएगा और फिर एक ही सेकंड में आग का गोला नजर आएगा। शायद भाई साहब पागल हो गए, लगता है कोई जंग लड़ने आए। आप लोग डिस्टर्ब बताइए, अपना अपना काम कीजिए, नीचे और नीचे। सिर्फ डरा नहीं रहा हूं तुम्हें रोने, अभी गोली निकलेगी बंदूक से। ये क्या हो रहा है? कम ऑन। लगता है कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो रहा है। नीचे उस रूफटॉप पर लैंड कर दीजिए वरना इंजन फट गया तो आग लग सकती है। जल्दी से वो नीचे पेवमेंट पे गिरी बंदूक उठा के ले आओ प्लीज। वाह, और नीचे। भारत की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। चलो भाई घर चलते हैं। एक ही ओवर में 2-2 विकेटें गिर गई, खेल खत्म, पैसा हजम। और 8वें बैट्समैन मैदान की तरफ चले आ रहे हैं। अब भारत को जीतने के लिए 4 ओवरों में
47 रनों की जरूरत है और 24 बॉल बाकी हैं, लेकिन सनी चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमे हुए हैं। नीचे पिच से 310 की रेंज के आसपास। रॉनी साहब, हम पिच के उतना ही ऊपर हैं जितना आपको चाहिए था। बस यही जमे रहो, ना नीचे ना ऊपर। और आप लोग वो शॉट लीजिए जो दुनिया के किसी भी फिल्म में ना पिक्चराइज किए गए होंगे। जिस तरह से इन्हें अंडों पर अंडे मिल रहे हैं, हमारी टीम को ऑमलेट बनाकर खाना चाहिए। आप जाकर खाइए ऑमलेट किसी ईरानी रेस्टोरेंट में, अगर पैसे हैं जेब में। जब तक हमारा घोड़ा सनी क्रीज पे मौजूद है, खेल आखिर तक जिंदा रहेगा। कम ऑन सनी, कम ऑन। किस्मत की जीत का सेहरा तुम्हें पहनाने वाली है, अपनी स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन मत खोना। क्रिकेट की दुनिया में तुम्हारा सबसे ऊंचा और बड़ा नाम है रोनी, उसे मट्टी में मत मिलाओ। अब 2 ओवर और 4 बॉल बाकी हैं और भारत को जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता है। 35 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए और इतने ही रन चाहिए सनी को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। एक और खिलाड़ी गए। नौवां विकेट भी भारत का डाउन हो गया। अब आखिरी खिलाड़ी आ रहे हैं। 2 ओवर और 3 बॉल बाकी हैं। अब सनी अगर कोई करिश्मा कर दिखाते हैं तो सबसे बड़े हीरो साबित होंगे। सनी को चाहिए 35 रन अपना शतक पूरा करने के लिए और भारत को जीतने के लिए। 15 बॉल और 35 रन। बाल बाल बच गए। 14 बॉल बाकी है और 35 रन चाहिए जीतने के लिए। जब तुम सबसे पहले क्रिकेट में दुनिया के सामने मैदान में उतरे तो तुमने अपने बड़े भाई का हाथ चूम के ये कहकर बीड़ा उठाया था कि भाई साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन उस खेल के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा जिसे मैं अपना सारा जीवन सौंपने जा रहा। आज उसी खेल के साथ गद्दारी करने चल दिए। बाकी है और 35 रन चाहिए जीतने के लिए भारत को। सन्नी अब भी इसे खींच कर ले जा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें बॉलिंग को सामना करने का मौका मिले। मत घात करो रॉनी अपने डैडी की आत्मा का, अपनी मम्मी की आत्मा का और ना ही उस खेल का जिसने तुम्हें तारों की चमक दी, सूरज का प्रकाश दिया। फिर से जीवनदान मिला है भारत को। भारत के पास सिर्फ 2 ओवर बाकी हैं। जीतने के लिए 35 रन चाहिए और 12 बॉल। कम ऑन सनी, तुम्हारा प्रॉमिस है कि तुम सारी जीतोगे। आई लव यू। तुम चैंपियन थे, अब नहीं। अब 31 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए और सिर्फ 11 बॉल बाकी। सनी रोनी के पहले टेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दो। सनी दर्शकों को रोनी की याद दिला रहा है, रोनी जिसने अपने पहले टेस्ट में इसी जोश और इसी स्टाइल का प्रदर्शन किया था जो इस वक्त सनी के गेम में है। सिर्फ एक ही रोनी है दुनिया में, उसकी टक्कर का ना कोई आया है ना कोई आएगा। Yeah.
27 रनों की आवश्यकता है और 10 बॉल बाकी हैं। अब 9 बॉल बाकी हैं और 27 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। तुम प्रेरणा हो सनी की, इंस्पिरेशन हो उसका, आशीर्वाद दो उसे ताकि तुम्हारी टीम जीते, तुम्हारा देश जीते। हाथ रख दो अपने मन की आंखों से सनी के सर पर, जैसे कुछ सीनियर अपने जूनियर के सर पर रखता है। कह दो उसे कि तुम उसे बकअप करने आए हो, उसे जोश दिलाने आए हो। और 23 रनों की आवश्यकता है। छोड़ना नहीं सनी। सिक्सर। देखो तुम्हारे स्टाइल में खेल रहा है सनी, ताली बजाओ उसके लिए, उत्साह दो उसे, तुम्हारी जीत होगी। 7 बॉल बाकी है और 17 रन। बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन किया है सनी ने, जानबूझकर एक ही रन लिया है ताकि आखिरी ओवर का खुद सामना कर सके। सनी सेंचुरी चाहिए, सेंचुरी। यही तेरा क्लाइमैक्स है बच्चे, तू सेंचुरी नहीं बना पाएगा। धोनी के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल स्विच है, इसका बटन दबाते ही नीचे स्टेडियम में तमाम क्रिकेट स्टार्स के साथ 50,000 लोगों की जाने जाएंगी। छीन लो वो स्विच उसके हाथों से। हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले जाओ वहां से पायलट। तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी जाएगा। यही तो मेरा वरना तुम्हारी जान जाएगी पायलट। 6 बॉल बाकी हैं और 16 रनों की आवश्यकता। बाकी और सिर्फ 14 रनों की आवश्यकता है। ले जाओ हेलीकॉप्टर को उड़ा के वहां से। सर मेरे दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर जहां है मैं वहीं से नीचे उतार सकता हूं, वो भी तब जब स्टेडियम लोगों से खाली हो चुका होगा। मैच होने से रहा, चेन का पीसो निकाल के रख। बहुत जल्दी में हो, ये क्रिकेट है क्रिकेट। बहुत ही कम देखने को मिला है ऐसा एक्साइटिंग मैच। 3 बॉल बाकी है और 10 रनों की आवश्यकता है। नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। सिर्फ 2 बॉल बाकी है और 10 रनों की आवश्यकता है। अब कोई चांस नहीं जीतने का। आ! आ!
बाल अपनी जेब में रख लिया। देर इसलिए लगी क्योंकि नीचे किसी वैन वाले ने उठाकर इसे अपने वैन में रख लिया था। ढूंढना पड़ा इसे। अगर तुम्हारा हाथ गया रिमोट कंट्रोल की तार को जोड़ने के लिए तो मेरी उंगली भी इसे दबाने के लिए तैयार है मेरे भाई। कोई खेल किसी एक खिलाड़ी को किसी की जान लेना नहीं सिखाता, और ना ही कुछ अच्छा पुलिसमैन अपने फर्ज से पीछे भागना सीखा है। अब सिर्फ 6 रन बाकी है भारत को जीतने के लिए और एक बॉल बाकी है आखिरी। हे भगवान, सेंचुरी बनवाना सनी से। कम ऑन सनी, कम ऑन, ये चांस खोना नहीं। बन जाओ अव्वल नंबर, बन जाओ।